होगा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7। ओके आप ओपन चैप्टर 7 एवरीवन। चैप्टर 7 ओपन दिस पेज चैप्टर 7 सनशाइन। चैप्टर 7 सनशाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सनशाइन? क्या समझते हो सनशाइन से? सनशाइन मींस जो चीज चमकती है ना, जो शाइन करती है, जो चमकता है उसको हम सनशाइन कहते हैं, है ना। जिसको देखने से आपको खुशी मिले उस चीज को सनशाइन कहा जाता है। ओके सो वी सी द चैप्टर। द सन इज अ बिग स्टार, इट लुक्स लाइक अ जायंट रेड बॉल। नाउ यू हैव सीन सन, सन देखा होगा ना आपने। जब सुबह होती है, सन उगता है, तो वो बिग स्टार जैसा दिखता है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? हु विल टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? सन का क्या कलर होता है सानिया? सन का क्या कलर होता है? सो इट इज येलो इन कलर, है ना। सन कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। एंड इट लुक्स लाइक अ जाइंट रेड बॉल, है ना। रेड बॉल क्यों? क्योंकि उससे बहुत आग निकलती है, बहुत गर्म देता है, इसलिए वो रेड बॉल जैसा दिखता है। इट गिव्स अस लाइट, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस इन अस इन 8 मिनट। क्या देता है वो? इट गिव्स अस लाइट, है ना, एंड इट रीचेस टू अस इन 8 मिनट। द सन ऑल्सो मेक्स अस फील वार्म। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड पीपल कैन लिव ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ सन। बिकॉज सन ऑल्सो फील्स अस वार्म, हम लोग को गर्म रखता है सन। इस वजह से प्लांट्स, एनिमल और पीपल जो है अर्थ पे, हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं। तो जो लोग अर्थ पे रहते हैं उस वजह से क्या होता है, हम यहाँ रह पाते हैं। किसकी वजह से? सन की वजह से। सन की वजह से हम यहाँ रह पाते हैं। ओके कम टू द पोएम एवरीवन। कम टू पेज नंबर 57। कम टू पेज नंबर 57। You see the sun every day in the morning. Do you know where it goes when night falls? ठीक है, you see sun every day in the morning. आप हमेशा सुबह क्या देखते हो? आप sun देखते हो, है ना, sun, सूरज देखते हो आप लोग। Do you know where it goes when night falls? आप लोगों को पता है जब night हो जाता है तो sun कहाँ चला जाता है? जब रात होती है तो sun कहाँ चला जाता है? आप लोग जानते हो? कोई जानता है? घर घर चला जाता है। सन का घर कहाँ है सानिया? सन का घर कहाँ है? सन का घर, आप ही ने बोला ना घर चला जाता है, तो घर कहाँ है सन का? मैम वेस्ट में। हाँ वेरी गुड आदमी। ओके तो वो सेट हो जाता है, सन डूब जाता है, जो सूरज होता है वो डूब जाता है ना, घर नहीं चला जाता, वो डूब जाता है। क्लियर टू एवरीवन? ओके नाउ विल सी द पोएम। गुड मॉर्निंग मैरी सनशाइन। मैरी मींस हैप्पी, हैप्पी सनशाइन। हैप्पी सनशाइन मतलब जिसको देख के मन बहुत खुश हो जाए, है ना। गुड मॉर्निंग मैरी सनशाइन, हाउ डिड यू वेक सो सून? मतलब जो पोएटेस है, जिसने ये पोएम लिखी है, वो सन से पूछ रही है कि आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाउ डू यू? यू हैव स्केयर्ड द लिटिल स्टार्स अवे। तुमने जो छोटे छोटे स्टार्स थे उन्हें डरा दिया है और उन्हें भगा दिया है। एंड शाइन्ड अवे द मून आई सॉ यू गो टू स्लीप लास्ट नाइट। ठीक है, एंड शाइन्ड अवे, आप बहुत शाइन करते हैं, ब्राइटर हैं, है ना, बहुत शाइन करते हैं आप। I saw you go to sleep last night. मैंने last night देखा था कि आप सोने चले गए थे, तो फिर अभी आप कहाँ हैं? अभी आप कहाँ चले गए हैं? है ना? Before I stopped playing, how did you get way over there? And where you been staying? जब मैं खेल रहा था, तब मैंने आपको देखा था। उसके बाद आप कहाँ चले गए?
कहाँ हो गए आप, कहाँ रहते हैं आप, है ना? पोएट पूछ रहा है सन से. ओके नाउ व्हाट वाज इन द फर्स्ट स्टैंजा, इट वाज देयर, गुड मॉर्निंग मेरी सनशाइन, हाउ डिड यू वेक सो सून, यू हैव स्केयर्ड द लिटिल स्टार्स अवे एंड शाइंड अवे द मून. I saw you go to the sleep last night before I stopped playing. How did you get away over there and where you have been staying? Okay, good morning, Mary Sunshine. है ना, Sunshine को good morning कहा जा रहा है. आप इतनी जल्दी कैसे जग जाते हो? और आपने जो छोटे छोटे stars तुमने डरा के भगा दिया है और अब आप shine कर रहे हैं moon की तरह. मैंने रात ही में आपको देखा था जब मैं खेल रहा था, तो आप कहाँ चले गए उसके बाद? I never go to sleep, dear child. Now sun is telling that I never go to sleep. मैं कभी सोता नहीं हूँ. I just go round to see. मैं round round घूमता रहता हूँ, पर मैं कभी सोता नहीं हूँ. Now sun is saying that कि मैं कभी सोता नहीं हूँ. My little children of the east who rise and watch for me. जो मेरे बच्चे हैं east में, जो मुझे उठता हुआ देखते हैं और मुझे देखते हैं. I wake up all the birds and the bees. मैं सारे जो bees हैं, birds हैं, उनको जगाता हूँ और जो भी flowers मेरे रास्ते में पड़ते हैं उन्हें भी जगाता हूँ. And now come back to see the child who stayed out late the play. और अब मैं वापस आया हूँ वो child को देखने जो यहाँ खेल रहे थे, है ना, जो late रात तक बाहर. Clear? So it was a poem of the sun. The child is asking to the sun कि आप इतनी जल्दी कैसे जग जाते हो और आप तारों को भगा कैसे देते हो, आप सोते नहीं हो क्या? तो सन उसके रिप्लाई में कहता है कि नहीं, मैं नहीं सोता हूँ. मैं राउंड एंड राउंड पूरी अर्थ में घूमता हूँ. मैं सारे बीज, बर्ड और फ्लावर्स को जगाता हूँ और सभी बच्चों को दिखाता हूँ जो मेरा वेट करते हैं ईस्ट में, है ना? So it was a poem of this. Now everyone will do what? Take out your English copy and draw sun. Take out your English copy, everyone, and draw sun. ये वाली picture बनाओ सभी लोग. ये वाली. Take out your English copy, everyone. Draw the image of the sun. This image you have to draw. Draw the image of the sun. This image you have to draw. ये picture बनाओ अपनी copy में. पहले सभी date and day डालेंगे. पहले सभी लोग date and day डालो copy में. Put the date and day in the copy and chapter name. Put the date and day in the copy. Put the date and day in the copy, everyone. This book mera banana hai. पूछ रहा बेटा, इस बुक में नाम बनानी है. इंग्लिश कॉपी, टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी. इंग्लिश कॉपी लाई है? इंग्लिश कॉपी में कितना? टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी. कॉपी लिखनी है. Take out your English copy and put the date. See on the screen, I am putting the date. Put the date, everyone. जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वैसे ही लिखना है सभी को. Put the date. Day is Wednesday. Okay. And put the
नंबर चैप्टर नंबर इज 7 चैप्टर नेम यू हैव टू पुट पुट चैप्टर नेम सनशाइन लाइक दिस डू इट इन योर इंग्लिश कॉपी डे डे एंड चैप्टर 7 सनशाइन यस कंप्लीट हो गया क्या कंप्लीट हो गया ये ड्रॉ कर लिया यस मैम दिखाओ कलर करो कलर भी करो सानिया कलर भी करो यू हैव टू कलर आल्सो डू द कलर आल्सो कलर नहीं ईशा ऑन योर कैमरा यस ड्रॉ इट एंड कलर इट ड्रॉ द सन एंड कलर इट एवरीवन अरे यहाँ पे नहीं आ गया आदित्य बना लिया आपने नो नो मैं अभी तो मैं लिख रहा था जो आपने घुमा रही है ओके ये लिखने के बाद ड्रॉ करो ओके मैम ओके मैम यस मैंने बना लिया सन कलर भी कर लिया Yes, ma'am. Show it. Show it. Show it. दिखाओ. ये देखिए. और पास में लेके आओ बेटा. और पास में लेके आओ. हाँ, good one. Good. Very good. Okay, now start writing, Anirudh. Draw करने के बाद सभी लोग लिखना चालू करेंगे उसके नीचे. पहले picture draw करो और उसके बाद लिखना चालू करो. Start writing it, Anirudh. Yes, ma'am. 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 मेरी सन साइन एफ यू एम सन साइन कृष्णा ऑन योर कैमरा यस मैम Again, Krishna, I have told you, na, to not tell like this. आराम से बोलना है ना मैंने आप लोगों को बोला है ना कृष्णा मैम ड्रॉ कर ली मैम ड्रॉ कर लिया पहले दिखाओ दिखाओ कृष्णा वेरी गुड त्रिशा वेरी गुड स्टार्ट राइटिंग इट व्हाट उसके नीचे से लिखना चालू करो जो मैं लिख रही हूँ वेरी गुड P T E R.
Start writing this. After you have drawn the picture, write it everyone. This will come in exam. Town one में ये आएगा poem लिखने के लिए. ये you have to learn it. The poem. आदित्य drawing बना लिया आपने? आदित्य drawing बना लिया आपने? आदित्य ड्राइंग बना लिया आपने? मैं भी लिख रहा हूँ. तो ड्राइंग मैंने बोला ना, पहले ड्राइंग बनाओ, देन आपको ये लिखना है. ओके मैम. हाँ, पहले ड्राइंग बना के मुझे दिखाओ, उसके बाद लिखना चालू करो. बस त्रिशा ने और सानिया ने दिखाया और अनिरुद्ध ने, और किसी ने अभी नहीं दिखाया. कृष्णा ड्राइंग बना ली आप लोगों ने? कृष्णा एंड उत्कृष्ट. यस मैम. दिखाओ ड्राइंग बना लिया. अरे नो मैम, नो मैम. कौन सा मैम? अरे मैंने कहा ना सन की ड्राइंग बनानी है पहले, ये वाली ड्राइंग बनानी है आपको. हाँ सन, सन तो बना. हाँ, कलर करना है और ड्राइंग बनाना है. पहले ड्राइंग बनाओ, फिर लिखना चालू करो. मैम कृष्णा, एक बार चीट दिखा दीजिए सन की. आपके पास इंग्लिश की बुक है ना, फ्रेम्स वाली? ये वाली बुक है आपकी? यस मैम. हाँ, तो उसमें खोलिए पेज नंबर 57. पेज नंबर 57. And this picture you have to draw. 57 पे ये picture बनानी है. देखो screen पे, देखो यहाँ पे. हद 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 ह
Yes, it is okay, Aditya. Aditya, achhi hai. हाँ ओके राइट इट नाउ स्टार्ट राइटिंग यस ओके राइट इट प्रगति ड्राइंग नहीं बनाया आपने प्रगति बना लिया ड्राइंग प्रगति अभी नो मैम लिख रही हूँ पहले ड्राइंग बनाना है बेटा देन लिखना है बोला ना मैंने पहले ड्राइंग बनाओ संकी उसके नीचे लिखना है आपको ये चलो हो गया पहले लिख लो और फिर बनाओ ड्राइंग बनाना है बना रही हूँ मैम बस कलर करना हाँ ओके मैम लिख ली मैम ड्राइंग बनाती हूँ आओ बेटा दिखाओ कैमरे के पास लेके आओ थोड़ा सा और पास लाना थोड़ा सा और पास लाना यस ओके ओके गुड गुड मैम हो गया यस त्रिशा लिख ली आपने इतना यस मैम ओके यस यू हैव टू नाउ लर्न इट आल्सो स्टार्ट लर्निंग यस मैम यस याद मैम ठीक है क्या दूसरा बनाए ओके स्टूडेंट्स टाइम इज अप पोयम लिख के उसके बाद आपको ग्रुप में पोस्ट करना है जिसका जिसका कंप्लीट हो गया है क्लास जैसी एंड होती है फोटो खींच के ग्रुप में पोस्ट करना है पोयम लिख के क्लियर कर लिया है हाँ तो फोटो खींच के ग्रुप पे भेजना है ठीक है और yes, सभी लोग सुनो yes, एक मेरी बात और सुनो
आप लोगों को क्या फॉर्मेट बताया गया है असाइनमेंट भेजने के दौरान? जब आप असाइनमेंट भेजते हो आपको अपना नाम, यस वेरी गुड कृष्णा, अच्छा है, यस वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप असाइनमेंट भेजते हो आपको नेम, डेट, सब्जेक्ट, टीचर्स नेम ये लिख के भेजना है बस। असाइनमेंट भेज दो और उसके बाद सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखने से नहीं चलेगा, आपको खुद का नाम लिखना है, डेट डालनी है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और टीचर का नाम लिखना है। अभी ऐसे असाइनमेंट भेजना इसी फॉर्मेट में, ठीक है? अभी आप होमवर्क अपना डालोगे तो पहले अपना नाम लिखना, डेट डालना, कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, इंग्लिश डालना और टीचर का नाम, मेरा नाम डालोगे क्या, आरती शर्मा मैम, ओके? यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय एवरीवन। बाय मैम।